हेलो गाइस, आज हम सब देखते हैं कैपेसिटर बैंक के बारे में कि कैपेसिटर बैंक क्या है और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं और इसकी फुल इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी समझेंगे कि इसकी वायरिंग कैसे होती है, क्या क्या होती है। कैपेसिटर बैंक का उपयोग हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए और अपने रिएक्टिव पावर जो सिस्टम में होती है उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इलेक्ट्रिकल डायग्राम इसका। तो यह जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम आप सभी देख रहे हैं अभी, ये 33/11 के भी सबस्टेशन में हम जो कैपेसिटर बैंक यूज़ किए हैं ये उसका डायग्राम है। अब देखते हैं लाइव विजुअल। तो चलिए अब लाइव विजुअल के माध्यम से हम कैपेसिटर बैंक को देखते हैं। ये देखिए आइसोलेटर और रिले लगा हुआ है यहाँ पर कैपेसिटर बैंक के पहले फॉर प्रोटेक्शन। ये देखिए अपना नेम प्लेट और इसकी कैपेसिटी जो है 1980 KVAR की इसकी कैपेसिटी है। हम इसका मेंटेनेंस करते हैं तो इसको पहले डिस्चार्ज करते हैं क्योंकि कैपेसिटर सेल एनर्जाइज रहता है। तो ये अपना कैपेसिटर सेल जो कि एनर्जाइज होता है, इलेक्ट्रिकल को स्टोर करता है और रिलीज करता है। आइए देखते हैं बैंक के अंदर। इसमें सबसे पहले अपना कैपेसिटर सेल, रिएक्टर, HRC फ्यूज, वैक्यूम कंडक्टर और RVT जो कि लगा हुआ है। 11 के भी सप्लाई ये देखिए तीनों RYV फेज से दिए हैं। तो देखते हैं रिएक्टर जो कि लिमिट करता है शॉर्ट सर्किट करंट को और प्रोटेक्शन देता है और इक्विपमेंट को फॉल्ट होने से बचाता है। अब देखते हैं वैक्यूम कंडक्टर को। तो ये रहा अपना वैक्यूम कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट करता है और ये स्विचिंग के लिए काम करता है। इसमें देखिए ये बोतल लगे हुए हैं, इसको वैक्यूम बोतल ही बोलते हैं। और ये अपना कैपेसिटर सेल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सर्किट में रिलीज और स्टोर करता है। तो ये रहा अपना HRC फ्यूज, फुल फॉर्म होता है हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। फॉल्ट आता है तो सबसे पहले यही ख़राब होगा। ये है अपना रेसिडुअल वोल्टेज ट्रांसफार्मर जिसके बारे में हम फुल डिटेल्स वीडियो एक बना चुके हैं। फिर भी ये जान लीजिए कि ये अनबैलेंस वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। और ये अपना इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो कि कैपेसिटर बैंक के अंदर बहुत ही सिंपल वायरिंग होती है, बैंक के अंदर कोई ज़्यादा वायरिंग नहीं होती है। इसमें दो वायर हम लोग दिए हैं ऐसी सप्लाई के लिए 240 वोल्ट के लिए और बाकी RVT के लिए। और ये अपना 3 वायर दिए हैं कैपेसिटर सेल को चालू करने के लिए। तो ये है अपना कंट्रोल रूम बिल्डिंग और इसके अंदर में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो कि लगा हुआ है और उसके ऊपर में ये PFC बॉक्स ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर जो कि लगा हुआ है। और ये अपना ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर का ये अंदर का है। तो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर का काम मेनली होता है ये, इसका हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये देखिए अपना इसमें VMR लगा हुआ है और MCB लगा हुआ है, स्टार्टर लगा हुआ है और ये अपना इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो कि आप सभी समझ सकते हैं। तो इसका मेन एक्चुअली हम लोग का मतलब कि मकसद यही रहता है कि हमको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है अपने सिस्टम में। तो पावर फैक्टर एक्चुअली क्या होता है आप सभी जानते ही हैं। पावर फैक्टर इज़ इक्वल टू एक्टिव पावर और रियल पावर डिवाइड बाई अपारेंट पावर, यानी कि KW किलोवाट बाई KVA। तो ये अपना PFC बॉक्स जो कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है अपने सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। अगर हमारा पावर फैक्टर अगर इम्प्रूव होगा तो फिर हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमाइज होगा अपने सिस्टम में और ये वोल्टेज लेवल को इम्प्रूव करेगा सारे इक्विपमेंट में, उसके बाद में पावर लॉस को रिड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको भी ये रिड्यूस करेगा। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है अपना रिड्यूस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं PCB के अंदर में, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर में जो अपना वायरिंग है इसमें DC सप्लाई दिए। तो कैपेसिटर बैंक लगाने का मेन तात्पर्य यही होता है कि एक्चुअली इंडक्टिव लोड जो होता है वो रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है तो उसी को कंपनसेट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक का इंस्टॉलेशन करते हैं। ये देखिए अपना बैटरी जो कि DC सप्लाई अपने इस PCB पैनल को दे रहा है। तो कोई भी इक्विपमेंट के बारे में अगर डिटेल्स में जानना हो तो कमेंट में बताएं, हम उसके बारे में बनाएंगे वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय अमित कुमार केसरी।